प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। आज का संदेश वरदान देवी कुमार आलिया से वटा जाएगा, प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम प्रेतों के काम अध्याय 10 वचन 43 को मनन करेंगे। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमको परमेश्वर बुद्धि आपका परमेश्वर अपना अनुग्रह दे, हम बताएं। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता, नए नियम तक भविष्यवक्ता सब उसकी गवाही देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इशाया की पुस्तक में आप पढ़ेंगे, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुअल रखना, परमेश्वर हमारे साथ है। मीका की किताब में पढ़ेंगे, यहूदा के छोटे से शहर बैतलहम से प्रभु यीशु मसीह आएगा। काफी भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। व्यवस्था विवरण में भी मूसा बोलते हैं, तुम्हारे बीच में से परमेश्वर एक नबी को खड़ा करेगा, जो शब्द परमेश्वर उसको देगा वही बोलेगा। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हमारा परमेश्वर पिता ने भी उनसे बातें किया जो आज तक हमसे बातें करता है। इन इतना ही नहीं, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। संपूर्ण बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। इतना ही नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई भी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। जो प्रभु के पास आएगा, प्रभु कभी भी उनको छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। प्रभु हमको कभी छोड़ता नहीं, कभी हमको त्यागता नहीं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा कभी भी लज्जित नहीं होगा। प्रभु कभी भी हमको शर्मिंदा होने नहीं देगा, और विश्वास बिना प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है। हम रूप देखकर नहीं चलते, लेकिन विश्वास से चलते हैं। अब तक हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन जल्द हम प्रभु को देखेंगे, उनका महिमा को हम देखेंगे, कितना सुंदर वो दिन होगा। इतना ही नहीं, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।
प्रभु यीशु मसीह को ही पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यदि हम अपने पापों को माने, वे हमारे पापों को क्षमा करने, सारे अधर्म से छुड़ाने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर रहा है। वह लहू जो बेसकीमती क्रूस पर हमारे लिए बहाया, वो लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आधे नहीं, अधूरे नहीं, सारे पापों से शुद्ध करता है। इतना ही नहीं, पापों की क्षमा मिलती है। हम पापों को मानकर उनको छोड़ देंगे, हमारा काम सफल होगा। हम पापों को मानकर छोड़ेंगे नहीं, हमारा काम सफल नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह को ही सामर्थ है पाप क्षमा करने का। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है हमारा पाप क्षमा करने का। वो हमारे पापों को कभी भी स्मरण नहीं करेगा। अपने पीठ के पीछे उसने फेंक दिया। कितना भला हमारा परमेश्वर है। सारे भविष्यवक्ता उसका गवाही देते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। और जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर का संतान होना कितना बड़ा बात है। जो इस संसार में है उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देना। प्रभु यीशु मसीह का वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनेगा, दिल का दरवाज़ा खोलेगा, मैं उसके साथ उसके घर में माने उसके दिल में आऊँगा। और प्रभु हमारे पास रहना चाहता है, संगति रखना चाहता है। तो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।